ऑफ यू, हम अपना चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस शुरू करेंगे। इसमें हमने न्यूट्रिशन तक कर लिया है, अब हम आगे करेंगे चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में चेंज आना, ये भी क्या है, एक प्यूबर्टी का चेंज है। मैनी चेंजेस अकर इन द बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे बदलाव होते हैं। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ये अलग अलग होते हैं, ये जो बदलाव होते हैं। इन बॉयज़ शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर। बॉयज़ में क्या होता है, जो शोल्डर्स होते हैं, कंधे होते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं यानी चौड़े हो जाते हैं, एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर, और चेस्ट भी वाइडर हो जाते हैं। द बॉडी मसल्स ग्रो मोर इन बॉयज़ एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। जो बॉडी मसल्स हैं वो बॉयज़ में ज़्यादा ग्रो करते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। सो द बॉडी ऑफ बॉयज़ लुक मोर मस्कुलर। इसलिए जो बॉयज़ होते हैं उनकी बॉडी ज़्यादा मस्कुलर लगती है गर्ल्स से। सेकेंड पॉइंट, इन गर्ल्स हिप्स गेन वेट। गर्ल्स की जो हिप्स होती है वो वेट गेन करने लग जाती है, एंड द रीज़न बिलो द वेस्ट। वेस्ट के नीचे यानी पेल्विक रीजन में जो रीज़न होता है बिकम्स वाइडर, वो वाइडर होने लग जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ऑल्सो बिगन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्लेस होने मतलब होने लग जाता है इस पीरियड में, ठीक है। ब्रेस्ट बढ़ने का डेवलपमेंट विकास होने लग जाता है। थर्ड पॉइंट है चेंज इन वॉइस। एट प्यूबर्टी द वॉइस वॉक्स और लैरिंग्स बिगन्स टू ग्रो। प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, जो वॉइस वॉक्स होता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस वॉक्स। बॉयज़ होते हैं उनकी बड़ी वॉइस वॉक्स होती है। द ग्रोइंग वॉइस वॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इन द नेक। जो ग्रोइंग वॉइस वॉक्स है वो गले के बाहर भी कई बार दिखने लग जाता है बॉयज़ का, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। दिस प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। देखिए ये रहा, ठीक है। इन गर्ल्स द वॉइस वॉक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। क्योंकि गर्ल्स का जो वॉइस वॉक्स होता है वो छोटे साइज का होता है, इसलिए बहुत ही कम ऐसी संभावना होती है कि दिखे। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। जो गर्ल्स होती हैं उनकी बहुत ऊँची पिच की वॉइस होती है, मतलब उनकी आवाज़ तेज होती है, ऊँची होती है। वेयर इज द बॉयज़ हैव अ लो पिच्ड वॉइस। और जबकि लड़कों की क्या होती है, लो पिच्ड वॉइस होती है, गहरी होती है, पर उनकी जो वॉइस पिच होती है वो छोटी होती है। यू मे हैव नोटिस दैट द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास बिकम्स रफ और हॉर्स। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में कई बॉयज़ की जो वॉइस है वो रफ़ हो गई है और हॉर्स है, मतलब ख़राब सी है थोड़ी। दिस इज़ अ टेम्परेरी एबनॉर्मलिटी इन मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस वॉक्स। ये क्या है, टेम्परेरी एबनॉर्मलिटी है, ये टेम्परेरी असामान्यता है इसमें मसल्स में वॉइस वॉक्स के। दिस स्टेट में परसिस्ट फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स, बट आफ्टर दैट द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। ये जो स्टेज है वो कुछ टाइम के लिए रहती है, बाद में क्या होता है, जो वॉइस होती है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। या तो एक कुछ दिन रहती है, नहीं तो एक हफ्ते तक या कुछ हफ्तों तक रहती है। ये जो चेंज होता है जिसमें वॉइस एकदम ख़राब हो जाती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है वॉइस, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें। थैंक यू।